हाय दोस्तों, तो फिर मैं आप सबका प्यारा लाडला दुलारा लव गुरु आया हूं आपके लव रिलेशन ठीक करने, टूटे हुए रिश्ते फेंकी की तरह चिपकाने और आग में घी डालने। तो फिर चलिए देखते हैं पहला कॉल किनका आता है। यार सीमा महेंद्र को बोला था ना आज भी कोई कॉल नहीं आएगा। आजकल के लड़कों को ना लव गुरु कोई जरूरत ही नहीं है। अगर किसी लड़के को लड़की से प्यार भी हो जाएगा ना तो मेरे पास नहीं आएगा, बल्कि जाके उसके उस लव गुरु दोस्त को पूछेगा कि जो खुद ही 7 जन्मों से सिंगल है। अरे यार लव गुरु मैं हूँ वो नहीं, और वो लड़का भी टिप्स बताने लगता है। अरे टिप्स बताने के लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए, मेरे पास कितना बड़ा एक्सपीरियंस है। अरे यार भगवान का भेजा फरिश्ता हूँ मैं, लड़की पटाके देता हूँ और मेरे पता सारे टिप्स सब टाइप का काम करते हैं, फिर भी मेरे को इज्जत नहीं। कोई कॉल नहीं आ रहा साला, हफ्ता हो गया। शिवा चल घर कॉल है। हाय, तो फिर मैं हूँ आपका प्यारा प्याना। तो फिर आपका नाम क्या है? मुझे घर में भैया दोस्त हीरो और लड़किया साइलेंट किलर कहती है। आप चाहे तो बिरजू बुला सकते हैं। तो फिर मिस्टर बिरजू जी बोलिए, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? मेरा बाव सिर ठीक कर दो। बहुत ही मजा किया सर आप। साले मेरी प्रॉब्लम बहुत सीरियस है, पर तेरे को मैं मजा क्या लग रहा हूँ? सर मैं सिर्फ आपके दिल का दर्द ही ठीक कर सकता हूँ। अबे इस दर्द के सामने दिल का दर्द भी पानी कम चाय है, वन मैन आर्मी दर्द है ये। सर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इसमें सिर्फ डॉक्टर ही आपकी मदद कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। साले तू किस टाइप का लव गुरु है जो मेरा बाउंसर भी ठीक नहीं कर सकता? नो मैटर क्या खाक सुल जाएगा। अरे तुझे क्या पता कितना दर्दनाक दर्द है ये, दुनिया में कितना गम है। मेरा गम तो साला टाइम बम है, रोज सुबह के टाइम में एक्टिवेट हो जाता है, खाते पीते बैठते उठते दर्द ही दर्द दर्द ही दर्द। मैं आपके सामने भीख मांगता हूँ, उल्टा प्लीज मेरा दर्द ठीक कीजिए। अबे कहते हैं एक बार समझाए क्या, समझ में नहीं आता क्या? अभी साले मैं लव गुरु लड़की का मैटर बता, लड़की का चक्कर बता, एक बता है मेरा बहुत ही ठीक टाइम बम बम दर्द। अभी साले मैं लव गुरु लड़के पढ़ाने की टिप देता हूँ मैं लोगों को, अभी तेरे गली तेरे मौत की साली मुझे गालियाँ देता है। साली तू ना मेरे को बाहर नहीं, साली तेरे को इतना मारूंगा इतना मारूंगा ना कि तुझे बहुत से दर्द भी छोटा लगना लगे। चालू कर इसको, देखता हूँ मैं अभी। सर मैं सिर्फ आपके लव रिलेशनशिप में मदद कर सकता हूँ। वो मुझे छोड़ के चली गई, मसाला मिल गया। या सर क्या मैं उनका नाम जान सकता हूँ? सोनू। सोनू काफी अच्छा नाम है, तो फिर मैटर क्या है? साले तू बहुत एक्साइटेड हो रहा है मैटर सुनने में। सर अगर आप अपनी पूरी स्टोरी मुझे बताएंगे तभी तो मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प कर पाऊंगा ना। हाँ तो सुन कान खोल के, मैं उसे बहुत चाहता था पर वो मेरे को छोड़ के चली गई। क्यों? बम के दर्द से मैं हमेशा खड़ा ही रहता था, होटल में वो बैठती मैं खड़ा, बस में वो सीट मैं स्टैंड। वो बोली मर्द को तो दर्द नहीं होता और तू काहे का मर्द रे, ऐसा बोल के चली गई। अभी साली को कौन बताएगा कि मर्द को भी दर्द होता है? पहले तो सिर्फ बम का दर्द था, अब तो बम के साथ दिल का दर्द भी फ्री, बाय वन गेट वन फ्री, क्या ऑफर है। उसे मनाने के लिए मैं दूसरे दिन गुलाब का फूल लेके गया, पर कमीने के कमीने बाप ने वही काट वाला फूल मेरे पिछवाड़े में घुसा दिया। बहुत ही दर्दनाक स्टोरी है सर। वो तो मैं खुशकिस्मत था कि पैसे न होने की वजह से गुलाब का फूल लेके गया, मेरा इरादा तो बुके लाने का था। अब तो सोनू से मिलना भी मुश्किल हो गया है, उसे कोई नया बकरा मिला है, बस उसी के साथ ही वो करती है। अब आप ही मेरी मदद कीजिए। और सर मिस्टर बिरजू जी आप सोनू से मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेरे बताए हुए कुछ टिप्स फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन टिप्स काम तो करेंगे ना? अरे बिल्कुल काम करेंगे, मेरे बताए हुए टिप्स से 100% काम करेंगे सर, गारंटी के साथ। उसके लिए सिर्फ आपको मुझे सोनू का डिटेल एड्रेस बताना होगा।
हाँ ले लीजिए, स्क्वेयर अपार्टमेंट या 10th फ्लोर, एमजे रोड। स्क्वेयर अपार्टमेंट 10, स्क्वेयर अपार्टमेंट 10th फ्लोर, ये कहीं तो सुना हुआ है। ओह शिट। और सर, क्या उनका पूरा नाम सोनिया मिस्त्री है? हाँ जी, आपको कैसे पता? अबे गधे, वो तो मेरे आइटम है बे। हेलो, मेरे आइटम की कहानी मुझे सुनाता है, तेरी माँ का बिरजू पांडे। यार सीमा, तेरे को क्या बताऊँ मैं, कितनी मुश्किल झेली है मैंने इसे पटाने के लिए, और ये साला मेरे आइटम को ही मुझसे छीनना चाहता है। साला लोगों को कोई इज्जत ही नहीं है।